देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर गुड़ और आम के लिए देश के कोने कोने में मशहूर है। यहाँ का आम देव के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। मंगलौर का आम प्रसिद्ध होने के साथ यहाँ के अधिकतर किसान आम की फसलों पर निर्भर है। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से आम की फसलों की सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे किसानों को भारी घाटे से जूझना पड़ा। लेकिन इस बार आम का व्यापार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आम के बागों में इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद है। बागों में इस बार फसल का अच्छा बौर आया हुआ है। इस बार किसानों को आम की फसल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे 2 सालों से आम की फसल में हो रहे घाटे की भरपाई हो सके। आम की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि कोरोना काल के चलते आम के बागों का रखरखाव सही नहीं हो सका, आम की सप्लाई भी नहीं हो सकी और अधिकतर आम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार आम की फसल बहुत अच्छी आई है। इस बार आम की फसल तेज हवाओं और आपदा की भेंट न चढ़े तो इस बार पिछला घाटा पूरा होने की उम्मीद है। मंगलौर का आम प्रसिद्ध होने से यहाँ का आम कई राज्यों में सप्लाई होता है और अच्छे दामों में यहाँ का आम खरीदा जाता है। तो आम बहुत बढ़िया तरीके से आया हुआ है, बहुत फूल आया हुआ है, बहुत बढ़िया कोहरा है। तो अगर कोई आपदा ना आई तो आम अब की बार बहुत बढ़िया रहेगा, लोगों को मुनाफे हो जाएंगे। और कोई आपदा आ गई तो फिर वो 3 साल की 2 साल की तरह ही रह जाएंगे ठेकेदार लोग। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर बहुत अच्छा आया हुआ है। जहाँ भी देखो तमाम बोरी बोर लगा हुआ है। इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह मंगलौर का आम फेमस है और हमेशा मंगलौर के आम की चाहत होती है, विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो इनका ज़्यादातर माल कलकत्ता, मुंबई, झरिया और तमाम दीगर सूबों में जाता है। यहाँ के आम की बहुत अच्छी मांग है और आम भी बढ़िया होता है। यहाँ की दशहरी, चौंसा, लंगड़ा और मुंबईया बहुत फेमस है। पूरे हिंदुस्तान में मंगलौर पहले से ही जाना जाता है आम की वजह से।